मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ऊर्जा विकास निगम ने किसानों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इसमें 3, 5 और 7 हॉर्स पावर के सोलर पंप सब्सिडी पर दिए जाएंगे। पूरे प्रदेश में करीब 5000 पंप किसानों को दिए जाने हैं। इसमें से रायसेन जिले के करीब 100 किसानों को पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। निगम की ओर से इस योजना के तहत 3 हॉर्स पावर का करीब 4 लाख रुपए कीमत का पंप 90% सब्सिडी पर महज 40,000 रुपए में ही दिया जाएगा। हालांकि 5 हॉर्स पावर के पंप पर किसानों को 85% की सब्सिडी ही दी जाएगी। इसके लिए आवेदन पत्र कृषि विभाग के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर ही जमा किए जाएंगे। इसके लिए आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ ही 1,000 रुपए का ड्राफ्ट जमा कराना होगा। शासन ने ये योजना किसानों के हित में शुरू की है। इसके साथ ही अब पंखा और ट्यूबलाइट भी सब्सिडी पर दी जा रही है। इसमें वारंटी भी दी जाती है। अगले सप्ताह से सोलर पंप के लिए आवेदन जमा होने शुरू हो जाएंगे।